अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी फ्रेंड्स आप लोग के साथ ब्रेकफास्ट में बनने वाली एक सिंपल सी रेसिपी है, मसूर और मूंग की दाल की, एक डिलीशियस सी ढाबे स्टाइल या आप देसी स्टाइल में बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनने वाली है ये डिश, जो नाश्ते में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ाया है पैन, पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। उस पर 2 टीस्पून भर के यहाँ पर रिफाइन ऑयल ऐड करना है मुझे। ऑयल को करना है बहुत अच्छे से गर्म, मीडियम फ्लेम पे ये प्रोसेस करना है। और इसमें मुझे पहले तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और लाल मिर्च का एक टुकड़ा। इसको ऑयल में अच्छे से डालना है और बस अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके इसको अच्छे से कड़कड़ा लेना है। उसके बाद मैंने 2 बड़ा प्याज काट करके रखा हुआ है, तो प्याज को भी इसमें शामिल कर लेना है मुझे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा हल्का स्मेल करने लगे, बस यहाँ पर इस प्रोसेस में यहाँ पर प्याज डाल के बस अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को अच्छे से चला लीजिए, चारों तरफ चला के सेम प्रोसेस में, मतलब आपको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा और कम नहीं। देखिए प्याज हल्का मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने दाल को अच्छे से भिगो के 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। साफ़ करके मैंने मूंग और मसूर की दाल ली है, दाल को अच्छे से डाल दिया इसमें धो के साफ़ करके रख के। अब अच्छे से मिला लेना है इसको। दाल को प्याज में भून लेने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करना है यहाँ पर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और बस दाल को धीमी आंच पे थोड़ा सा भून लेना है मुझे ऐसे ही प्याज में। मैं सिंपल सी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि ब्रेकफास्ट में बनने वाली, कोई हेवी मसाला इसमें नहीं यूज़ करने वाली हूँ मैं। बहुत ही लाइटली मसाला डाला है मैंने, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर बस ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, कि जीरा मैंने जीरा का फ़ौरन दिया हुआ था, तो इसलिए मैं जीरा का पाउडर स्किप कर रही हूँ। और बस 1 कप भर के यहाँ पे पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, याद रखिएगा। जितना मैंने डाल लिया है बस उतना ही पानी मुझे यूज़ करना है, क्योंकि मुझे इसको गाढ़ा नहीं बनाना, सूखा सब्जी की तरह ही मैं बनाने वाली हूँ। तो बस इसको अब ढक करके कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है मुझे। तो 5 से 10 मिनट हो गया, देखिए पानी आधा सूख चुका है। थोड़ा सा जो पानी है बस इसको खोल के मुझे सुखा लेना है इस पानी को, और ज़्यादा इसको चलाना नहीं है हेवी तरीके से, बस लाइटली इसको चलाना है ताकि दाल मेरा टूट ना जाए। देखिए 5 मिनट मैंने पानी ऐसे ही खोल के सुखा लिया था। अब बस धनिया से गार्निश करना है, धनिया कटा हुआ धनिया इसमें डाल देना है। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ऊपर से इसको हरी मिर्च से डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी तीखा डाला हुआ है तो मुझे और हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। बस दाल अच्छे से भून चुका है, चलिए सर्व कर लेते हैं। तो दाल तो बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसको अच्छे से निकाल लेना है। देखिए दिखने में बहुत अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आज आपको दाल की रेसिपी शेयर की है। धनिया से इसको गार्निश करिए और इसको रोटी और नान से खाइए, ब्रेकफास्ट में बना के बहुत डिलीशियस लगने वाली है फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल गारंटी है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आईडी फॉलो करिए, वहाँ पे भी मेरे वीडियो अपलोडेड है। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।